क्या लाऊं सर आपके लिए? मैडम ये आपके लिए, ये आपके लिए। सर आपके लिए क्या लाऊं सर आपके लिए? मैडम आपके लिए। लगता है इसे अपनी काबिलियत की पहचान नहीं है। कुछ वक्त पहले मुझे भी नहीं थी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? बताता हूँ। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया साहब। साहब मुझे खाने के लिए दे दो साहब। मुझे भूखा हूँ साहब। साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो साहब। मैं बहुत भूखा हूँ। खाना है मुझे। मुझे बहुत भूख लगी है साहब। साहब साहब वो साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो साहब। साहब रुक जाओ साहब। साहब मैं आपको छोड़ देता हूँ साहब। बेटा कोई शहर में क्या करता है? बेटा तूने रोड तो क्रॉस करवा दिया मगर मेरी बात का जवाब नहीं दिया। साहब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, बस भीख मांगकर अपना पेट पालता हूँ। बेटा तेरे पास सब कुछ है, आम आदमी की तरह तू भी नौकरी धंधा करके अपना पेट पाल सकता है। पर साहब मुझ जैसे अनपढ़ को नौकरी कौन देगा? हाईवे पे मेरे एक दोस्त की होटल है, वहाँ पे वेटरों की जरूरत है। कोई दुआ जैसे कबूल हुई, कोई उम्मीद जैसे बर आई, छटा अंधेरा मेरी दुनिया में रोशनी की किरण नजर आई। भाई तू आज काम पे क्यों नहीं गया? अरे यार मुझको काम पे कौन रखेगा? अरे तू फिक्र मत कर, मैं जा काम करता हूँ तुझे वहां नौकरी दिलाता हूँ। मिले दो हाथ दो से फिर चार हुए, मिलते रहे यूं हाथ के हजार हुए, मिलाए हाथ यूं हमने थोड़ी कोशिश की, हजारों घर जो विरा थे गुलजार हुए। कल से हम एक दूसरा काम और भी करेंगे। हम अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उन बच्चों की मदद करेंगे जिसका दुनिया में कोई नहीं है, और उन लोगों की भी मदद करेंगे जो अपनी नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये नन्हे फूल गुलशन बन के खिलेंगे, रंग बन कर किसी तस्वीर में ढलेंगे, क ख की चढ़ाई और एकम दो के पहाड़े चढ़ेंगे, हक है इनका और अब ये हक से पढ़ेंगे।